So hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about a very popular concept which is Indian aesthetics. ये जो आपका section है आता है आपके Indian literature के अंदर. Basically आप लोग इसको simple भाषा में बोल सकते हो कि Indian criticism का ये part है. जिस तरीके से हम लोग Plato, Aristotle, Samuel Johnson, T.S. Eliot के works को पढ़ के आए हैं, उनको as a critic हम लोग ने देखा है and ये जाना है कि उनके क्या क्या विचार हैं poetry को लेके, drama को लेके, tragedy को लेके या फिर literature के किसी भी genre को लेके कि वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. वैसी सिमिलर बातें आज आपको इस वीडियो के जरिए देखने को मिलेगी. बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे हमारे इंडियन स्कॉलर्स, इंडियन एस्थेटिक्स जो है वो आपके पोएट्री एंड ड्रामा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या उन्होंने बताया है कि होना चाहिए ड्रामा में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. इस वीडियो को मैंने इस तरीके से स्टाइल किया है कि एग्जाम से पहले अगर आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ा है तो आपका बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा, पर अगर आपने इस सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर मारा हुआ था कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा, तो इस वीडियो के जरिए आपको बहुत अच्छी तरीके से ना कम ना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये वीडियो देख के आपको लगा कि भाई अब इसमें से क्या करें और क्या ना करें. एंड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जिसको करने के बाद अगर आप इस सेक्शन के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो चुटकियों में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड पूरा आपका इंडियन एस्थेटिक्स बिल्कुल टू द पॉइंट तरीके से कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स बिगिन. इंडियन एस्थेटिक्स के अंदर क्या क्या आता है उसमें जाने से पहले हम लोग वर्ड को जानेंगे कि आपका ये एस्थेटिक्स है क्या. हम लोग नॉर्मली अपने आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में एस्थेटिक्स वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. कभी किसी को अपना रूम रेनोवेट कराता है तो वो बोलता है कि भाई मुझे कुछ ऐसे एस्थेटिक्स वाइब चाहिए अपने रूम के लिए. कोई रेस्टोरेंट जाता है तो वो बोलता है कि दिस इज नॉट गोइंग विथ माई एस्थेटिक वाइब्स या दिस इज नॉट मैचिंग माई वाइब्स. तो ये जो एस्थेटिक्स है वो ब्यूटी के बारे में बात करता है. अब ये ब्यूटी आपकी आर्ट की हो सकती है, नेचर की हो सकती है, इंडिविजुअल की हो सकती है, एनीथिंग. आपके वेस्टर्न एस्थेटिक्स में ये कॉन्सेप्ट आया था जो हम लोग ने एस्थेटिसिज्म जो लिटरी मूवमेंट है उसके जरिए पढ़ा हुआ है, जहां पे आपके कुछ ऐसे स्कॉलर्स राइटर्स एक साथ मिलते हैं, बताते हैं कि जो आर्ट है, चाहे आर्ट फॉर नेचर, ब्यूटी, पेंटिंग, डांस, एनीथिंग, उसको आप किसी कॉन्टेक्स्ट के जरिए ना जोड़ें कि ये हम लोगों को सोशल पर्पस क्या दे रहा है, मॉरल वैल्यू क्या दे रहा है या फिर इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है. आप किसी काम को सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए, उसकी सब्लिमिटी के लिए, उसकी वाइब के लिए जाने और उसी के लिए उसको अप्रिशिएट करें. ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग को अपने ईस्टर्न एस्थेटिसिज्म के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां पे आपके किसी वर्क की ब्यूटी के बारे में एंड उसके एलिमेंट्स की ब्यूटी के बारे में बात की गई है. इंडियन एस्थेटिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेस्टर्न एस्थेटिसिज्म से भी पहले आपका इंडियन एस्थेटिसिज्म और उसके वर्क्स आए थे. आपके 4th-5th century BC से ही आपके इंडियन एस्थेटिसिज्म्स में वर्क लिखे गए हैं. अगर हम लोग इंडियन एस्थेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, लिटरेचर हो जाएगा आपका, विजुअल आर्ट्स हो जाएगा एंड परफॉर्मिंग हो जाएगा. परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर हम सबको पता है क्या है, हम सब लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं. एनी रिटन टेक्स्ट, उसके जितने भी मल्टीपल जॉनराज हैं, आपका साइंस फिक्शन, नॉन साइंस फिक्शन, फैंटेसी फिक्शन, चाहे आपका गोथिक जॉनरा हो गया, बहुत सारे जॉनरा हैं जो आपके लिटरेचर के अंदर आ जाएंगे. अगेन पोएट्री, ड्रामा, आपकी नॉवेल्स, सारी चीजें लिटरेचर के अंदर आ जाएंगी, विच हैव टू बी अप्रिशिएट. विजुअल आर्ट्स के अंदर क्या आ जाएगा, एनीथिंग विच इज प्लीजिंग टू योर आईज, आप आंखों से जिसको देख पा रहे हो, जिस तरीके से आपकी पेंटिंग हो गई, स्कल्पटिंग हो गई. हम लोग के इंडियन कल्चर में जो हम लोग इतने प्यारे प्यारे क्या कहते हैं स्कल्पचर्स बने हुए हैं, उनकी ब्यूटी के बारे में बात हो सकती है यहाँ पे. देन पेंटिंग्स के बारे में बात हो सकती है. परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आपके आ जाते हैं डांस, आप परफॉर्म करके दिखाते हो, नृत्य करके दिखाते हो, वो आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया. एंड लास्ट में आता है आपका ड्रामा, जो ड्रामा एंड थिएटर है, जैसे रामलीला की जाती है, परफॉर्म की जाती है. एनीथिंग दैट यू आर परफॉर्मिंग एंड शोइंग टू योर ऑडियंस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर परफॉर्मिंग आर्ट्स. तो इंडियन एस्थेटिक्स में इन तीनों के एप्रिसिएशन और आपके एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इंडियन एस्थेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है आपके क्रिटिसिज्म के तरह जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि आप अरिस्टोटल को जिस तरीके से उठाते हैं, इनका जो फेमस वर्क है पोएटिक्स, जिसके अंदर उन्होंने काफी सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया है कि आपका एक जो ड्रामा होता है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की लाइफ का मेयर इमिटेशन नहीं होता है, एक प्रॉपर इमिटेशन होता है जो एक कैरेक्टर की लाइफ की ट्रेजेडी या फिर जो गुड एलिमेंट्स होते हैं उनको दिखाता है.
एंड इसी के जरिए उन्होंने अरिस्टोटल ने बताया है कि अगर आप एक अच्छा ड्रामा लिखना चाहते हो तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, कथार्सिस होना चाहिए, पर्गेशन होना चाहिए, एनिग्नोरिसिस होना चाहिए, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हम लोग ने पोएटिक्स के अंदर पढ़े हैं। वही सिमिलर चीजें बेटा आपको आपके इंडियन एस्थेटिक्स में भी देखने को मिलेंगी। फर्क इतना होगा कि आपके इंडियन स्कॉलर्स या राइटर्स के नेम होंगे। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कनेक्ट करते हुए हम लोग चलेंगे एंड आपको कुछ भी ऐसा यहां पे जानने को नहीं मिलेगा जो आपको ऑलरेडी ना पता हो, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो हम लोग के यहां पे स्कॉलर दिखाई देते हैं, 5th सेंचुरी से लेकर 2 सेंचुरी BC के बीच में इन्होंने ये वर्क लिखा है, इनका नाम है सबसे पहले तो आप देख लीजिए भरत मुनि। ओके जस्ट अ सेकेंड, मेरी पेन एक्टिवेट होनी चाहिए। ओके सो हमारे ये हैं भरत मुनि, भरत मुनि इनका नाम है एंड इन्होंने जो वर्क लिखा है वो लिखा है नाट्य शास्त्र। इनकी जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है आपकी रासा थ्योरी, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे लेके चलना कि सपोज हम लोग ने एक राइटर का नाम पढ़ा जो कि है हमारे अरिस्टोटल, अरिस्टोटल ने वर्क लिखा है आपका पोएटिक्स एंड उनकी जो फेमस थ्योरी, उनके अंदर कथार्सिस एंड पर्गेशन वाली जो थ्योरी है वो सबसे फेमस है, ठीक है। अब नाट्य शास्त्र जो इनका वर्क है, इनके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं लेकिन सबसे फेमस थ्योरी जो आपके एग्जाम में भी पूछी गई है एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी रासा थ्योरी। अब भाई इंडियन परिवार का हम सब लोग पार्ट है, हम सब लोगों को पता है कि इंडियन परिवारों में दो टाइप की सब्जियां बनती है, एक होती है आपकी सूखी सब्जी, एक होती है आपकी रसेदार सब्जी। सबको रसेदार सब्जी खाने का बड़ा शौक होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर कई सारे मसाले होते हैं जो हम लोगों को कई तरीके के टेस्ट देते हैं, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ तीखा, जो हम लोगों को वो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बन जाता है। हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई रसेदार ग्रेवीदार हम लोग को सब्जी मिल जाए तो हम लोग उसको खाएं। तो यहां पर रस से आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू ताकि आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो रसा जो आपका वर्ड है ये पहले भी इस्तेमाल किया गया है हम लोग के इंडियन स्क्रिप्चर्स में। आप पुराण वगैरह पढ़ेंगे तो आपको कभी ना कभी ये देखने में आया होगा, कभी कोई एड भी आ जाती है कि जो हमारे इंडियन गॉड्स थे वो लोग ड्रिंक एक इंजॉय करते थे, उसको हम लोग कहते थे सोम रस। हम लोग जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उस टाइम पे जो ड्रिंक्स इंजॉय करते थे हमारे भगवान लोग उसको कहते थे हम लोग सोम रस। इंडियन एस्थेटिक्स या फिर संस्कृत एस्थेटिक्स के अंदर ये जो शब्द है आपके ड्रामा और पोएट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। अब ड्रामा और पोएट्री में रस हमारा कहाँ से आया ये हम सब लोगों को पता है। हम लोग जब भी सैड होते हैं तो कबीर सिंह मूवी लोग देखने लगते हैं, देन आप अगर प्यार में हैं तो आप अरिजीत के गाने सुनने लगते हैं। आई हैव ऑल्सो गिवन अ सिमिलर एग्जाम्पल कि आपकी जो मदर है वो क्यों आपके इंडियन सीरियल्स को देखना पसंद करती हैं, क्योंकि उसमें जो विक्टिम कैरेक्टर होता है उससे हमारी जो मदर्स होती हैं वो रिलेट कर पाती हैं कि यार मेरी भी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था एंड जब उसकी सास को कोई गिरा देता है तो दे फील वेरी गुड कि अरे वाह मजा आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर पाई एंड इस कैरेक्टर ने कर लिया। बेसिकली आपकी ये जो रसा थ्योरी है वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है जो भरत मुनि ने बताया है कि आपकी एक ड्रामा और एक पोएट्री में आपकी ऑडियंस आपके स्पेक्टेटर के लिए कुछ रस होना चाहिए। रस का मतलब प्लेजर, प्लेजर आपका सुख में भी हो सकता है दुख में भी हो सकता है। हम लोग जब सैड होते हैं तो हम लोग और ज्यादा सैड सॉन्ग्स चला चला के सुनते हैं क्योंकि उस भावना में बह जाना हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग की बॉडी परगेटेड रिलीज्ड एंड क्लेंस्ड फील करती है। ये चीज आपके भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के अंदर बोली है आपकी रसा थ्योरी के अंदर कि आपकी जो रसा थ्योरी है वो आपको एक एस्थेटिक प्लेजर और थ्रिल देने का काम करती है एंड आपका ये जो रसा है वो आपके ड्रामा और पोएट्री में होना ही चाहिए, चाहे आप किसी ड्रामा या पोएट्री को पढ़ रहे हो या फिर इनएक्ट होते हुए देख रहे हो। आपका ये जो रस है ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है जो आपके परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को क्रिएट करना चाहिए, इनएक्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपके ड्रामा में या पोएट्री में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। अगर आप कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे हो जिसमें लोगों को बड़ा रस आ रहा है देखने में, बड़ा मजा आ रहा है देखने में, तब तक आपका ड्रामा या फिर वो पीस ऑफ थिएटर बिल्कुल बकवास है। सिमिलर थ्योरी विच आई वॉन्टेड टू टेल यू ये आपके अरिस्टोटल ने भी बताई है कि आपका जो ड्रामा होता है, जो ट्रेजेडी जिसके बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने बात की है कि इसके अंदर कथार्सिस एंड पर्गेशन वाली फीलिंग होनी चाहिए। आपकी ऑडियंस आपके मेन कैरेक्टर को देख के रिलेट जब तक नहीं करेगी कि ये एक बहुत ही अच्छी पोजिशन में था, अब ये बिल्कुल जमीन पर आ गिरा है या फिर जमीन से उठ के ये एकदम महान बन गया है, ऐसी कुछ चीजें आप नहीं दिखाएंगे वाओ वंडर या प्लेजर वाली फीलिंग्स, तो आपकी ऑडियंस नहीं
नहीं देखने वाली है। अब हम सब लोग हिंदी लिटरेचर हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, हम लोग ने कई तरीके के रस बचपन में हम लोग को ग्रामर में पढ़ाए गए थे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। रसा जो होता है आपका, रस थ्योरी जो आपकी है, वो सिर्फ प्लेजर पे काम नहीं करती है, आपके बहुत सारे भाव होते हैं उन सबको व्यक्त करती है। जैसे कि अगर प्यार की फीलिंग को आप दिखाना चाहते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रृंगार रस के जरिए हम लोग को दिखाया जाता है, ठीक है। लाफ्टर को, कॉमेडी को दिखाना चाहते हो तो वो आपका हास्य रस होता है। देन अगर आप कंपैशन दिखाना चाहते हो तो वो करुणा रस होता है। एंगर को दिखाना चाहते हो तो बहुत ही रौद्र दिखाया जाता है ये रस। देन अगर आप हीरोइज्म को दिखाना चाहते हो तो वो वीर रस होता है। हम लोग की पेट्रियोटिक में कैसे दिखाया जाता है कि जो मेन हीरो होता है वो अपनी जान पे खेल के अपने देश की रक्षा कर रहा है, तो वो वीर रस होता है। उसको देख के हम लोग को अच्छा फील होता है, वी फील कनेक्टेड, हम लोग को रस आता है, एंड देन ओनली वी सी। देन हम लोग का फियर वाला एक होता है, भयानक होता है, देन डिस्गस्ट होता है, विवस्था जिसको बोलेंगे, अद्भुत चीजें होती है, वंडरफुल, बिल्कुल जैसे बाहुबली मूवी में हम लोग को दिखाया गया था कि मेन कैरेक्टर ने इतना बड़ा जो पहाड़ है वो पार कर लिया, तो वो चीज बिल्कुल अद्भुत लगी हम लोग को, एंड दैट वॉज काइंड ऑफ रस फॉर अस। वो ग्रेवी, वो जो मसालेदार चीज होती है ना, वो हम लोगों को अट्रैक्ट करती है, एंड इन सारी चीजों को बेटा मिला के आपकी बन जाती है रसा थ्योरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्वेश्चन, भाई इंफॉर्मेशन तो ये बहुत अच्छी थी लेकिन इससे क्वेश्चन कैसा बना है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके इंडियन एस्थेटिक्स से पूछे जाते हैं। आपसे सिंपल मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था काफी सारी थ्योरीज को देके कि आपकी जो रसा थ्योरी है उसके रचयिता कौन है या फिर वो किसने लिखा है, तो आपको मैच करना है कि भरत मुनि जी ने आपका रसा थ्योरी दी है। सिंपल, आई होप आप लोगों को पूरी रसा थ्योरी, भरत मुनि कौन थे, कब 5th to 6th, 2nd century में उन्होंने स्टार्ट किया, इनका जो बेसिक वर्क है नाट्य शास्त्र, ये आप लोगों को याद करना है। सिर्फ आप लोग एक बार पढ़ भी लेंगे तो भी आप लोग को याद आ जाएगा, बिकॉज आपसे कभी फिल इन द ब्लैंक्स तो पूछा नहीं जाएगा। मैच द फॉलोइंग होगा, वर्क्स आपके सामने होंगे, नाट्य शास्त्र आप लोग को पता लग जाएगा कि भरत मुनि ने दिया है, एंड इनकी जो फेमस थ्योरी है हमारी रसा थ्योरी है। ये सारी चीजें भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें अगर क्वेश्चन में आएंगी तो आपसे ऑटोमेटिकली पूछी जाएंगी या फिर छाटने को आपसे पूछा जाएगा। सो आई थिंक रसा थ्योरी आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे अपनी अगली थ्योरी की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे राइटर आते हैं या फिर हमारे स्कॉलर आते हैं उनका नाम है यहाँ पे भामा। अब आपको स्पेलिंग पे नहीं जाना है, कहीं पे आपको BAMA भी बस सिर्फ दिया होगा एग्जाम में, तो भामा याद कर लेना। इनकी स्पेलिंग संस्कृत में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, आपको बस सीधा सीधा इनको प्रोनंसिएशन वाइज याद रखना है कि भामा वाज अ राइटर। ये आपके 6th, 7th and 8th century के बीच में आते हैं और इन्होंने वर्क लिखा था जिसका नाम है आपका काव्य अलंकारा, एंड इनकी जो थ्योरी है ही इज नोन फॉर हिज अलंकार थ्योरी। हम सब लोग लिटरेरी डिवाइसेस फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं अपने लिटरेरी डिवाइसेस में, हम लोग के इंग्लिश में, उसी को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलंकार। आप सब लोगों ने, हम सब लोग ने पढ़ाई है हम लोग के हिंदी ग्रामर में जब हम लोग छोटे थे, अलंकार हम लोग काफी हद तक पढ़ के आए हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो आपको नहीं पता हो। अब यहाँ पे भामा के साथ बेटा आपको ये चीज देखनी है, तीन और आपके राइटर थे, एक है आपके दो और राइटर थे, एक का नाम है डंडन और एक है आपका रुद्रता। आप प्लीज इसके प्रोनंसिएशन पे मत जाइएगा, आपको जो प्रोनंसिएशन इजी लगती हो लर्न करने में वो आप याद कर लेंगे। बमा हो गए हमारे, दानदेन हो गए, देन हमारे रुद्रता हो गए। इन तीनों ने बेटा आपकी बात की है या फिर फोकस किया है आपके पोएटिक ऑर्नामेंटेशन या फिर फिगरेटिव लैंग्वेज। हम सब लोगों को पता है कि एक काम में सिर्फ रसा नहीं होना चाहिए, रसा के जितने एलिमेंट्स है वो नहीं होना चाहिए, एक काम को, एक पोएट्री को ब्यूटीफुल बनाती है उसकी लैंग्वेज। आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए, आप एक पोएट्री पढ़िए, आपको पोएट्री ज्यादा अपीलिंग लगेगी क्योंकि उसमें उन्हीं शब्दों को बहुत ही ब्यूटीफुली फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके सुंदर बनाया है। हम लोग गाने जो सॉन्ग सुनते हैं, हम लोग क्यों सॉन्ग्स को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक लड़की को इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया होता है आपके सिंगर ने या फिर लिरिसिस्ट ने, इतनी ब्यूटीफुली दिखाया होता है कि वो हम लोग को बहुत अपीलिंग लगता है। कैसे वो चीज ब्यूटीफुल बनती है, आपकी यूज ऑफ फिगरेटिव या ऑर्नामेंटेशन। जिस तरीके से एक लड़की कुछ गहने पहनती है उसके बाद वो ज्यादा सुंदर लगती है, सेम उसी तरीके से हम लोग अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये जो अलंकार हैं हमारे, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, हमारे भाषा को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दिखाते हैं। इसी थ्योरी के ऊपर आपके भामा, दंदिन एंड रुद्रता ने काम किया है, एंड इसको बोला है हमारी अलंकार थ्योरी, जो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि मेटाफर्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके इनहेंस करते हैं ये ब्यूटी ऑफ पोएट्री। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग को पता है कि ये आपके किसी भी पोएट्री के या फिर एक लिंग्विस्टिक पीस की ब्यूटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है,
आगे पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि आपके जो बमा है, अब तीनों ने बताई है अलंकार थ्योरी, लेकिन कुछ ना कुछ हर वर्क में आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे प्लेटो ने भी पोएट्स के बारे में बात की है और इमिटेशन के भी बारे में बात की है, सेम अरिस्टोटल ने भी की है, आगे फिलिप सिडनी ने भी की है, लेकिन तीनों ने ही अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया है। तो बमा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं आपके अलंकारों की, कि किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन लिटरेचर में या फिर किसी भी लिटरेचर में, हमारी एस्थेटिक्स को बढ़ाने में, आपके किसी टेक्स्ट की ब्यूटी को बढ़ाने में। अंत में इन्होंने क्या बोला है कि इन सबको वक्रती नाम के एक जनरल टर्म के अंदर डाल दिया है, जो आपको वीडियो के एंड तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये वक्रती क्या है, ठीक है। दंडन ने भी क्लासिफाई किया है आपके क्या कहते हैं अलंकार्स को, जो ऑलरेडी बमा ने दिए थे, मतलब बमा ने आपके कुछ 7 अलंकार बताए हैं, सेम आपके दंडन ने भी उनको बताया है, बस उनको थोड़ा सा और क्लासिफाई कर दिया। रुद्रता क्या करते हैं कि उन 7 अलंकारों को 8 भागों में आपके बांट देते हैं। नाउ आई कुड हैव ब्रॉट ऑल द 7 to 8 अलंकार्स की, इन्होंने इतने दिए, इन्होंने इतने दिए, पर वो आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी आई एम पॉइंटिंग आउट ऑन वेरी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन, जो आपके लिए बिल्कुल इनफ हो एंड आपके इतने डिटेल में इससे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं गए हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है, और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो आपकी अलंकार थ्योरी है वो किसने दी है, सबसे ज्यादा कौन फेमस है, तो आपके मेन प्रोपोनेंट बेटा हो जाएंगे बमा। अब हम लोग चलेंगे अपनी अगली थ्योरी की तरफ, जो कि है हम लोग की ध्यान लोक का दिया है हम लोग के आनंद वर्धना, हम लोग के एक और एक बोल सकते हैं कि स्कॉलर आए हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है आपकी ध्वनि का। ध्वनि से हम लोग को क्या समझ में आता है, कोई आवाज। हम लोग ने रसा थ्योरी को पढ़ लिया, हम लोग ने आपकी अलंकार थ्योरी को पढ़ लिया, दोनों से ही हम लोग को समझ में आता है कि ये हम लोग के किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को, वेदर इट बी पोएट्री, वेदर इट बी ड्रामा, ट्रेजेडी, एनीथिंग, उसको क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, अपीलिंग बनाते हैं। ध्वनि का यहाँ पे जो सिद्धांत आता है वो है आपका कि आप एक चीज को बोलते तो हो, लेकिन उसको किस तरीके से बोलते हो वो बिल्कुल आपकी पोएट्री को या फिर आपके किसी भी पीस ऑफ वर्क का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पूरी तरीके से बदल देता है। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल, पर पहले हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। द ध्वनि सिद्धांत बिल्ड्स अपॉन अर्लियर डिस्कशंस ऑन एस्थेटिक एक्सपीरियंस फाउंड इन द वर्क्स ऑफ रसा एंड अलंकारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपकी ध्वनि का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे आपका बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड है, तो पहले आपका रसा से एंड देन आपका अलंकार थ्योरी से। ये हम लोग को क्लियर हो गया है, बोथ रसा एंड अलंकार थ्योरी के बाद आपका आता है ध्वनि। ध्वनि के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो ध्वनि की जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है आपका रेवरबरेशन और सजेशन। अब इससे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा कि ये रेवरबरेशन और आपका सजेशन क्या है। आप सब लोगों ने पीके मूवी देखी होगी, जहां पे पीके का एक सीन होता है जेल में, जब वो अनुष्का शर्मा को बता रहे होते हैं कि मतलब लैंग्वेज को आप अगर ध्यान से देखो तो एक ही चीज को आप अलग अलग टोन में जब बोलोगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। अच्छा वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि अगर आप गुस्सा होंगे तो आप उसी अच्छा वर्ड को बोलोगे अच्छा, और अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसी अच्छा वर्ड को बोलोगे अच्छा। तो ये होती है आपकी ध्वनि। आप किसी पर्टिकुलर चीज को, एक टेक्स्ट को जो नॉर्मल है, जिसका एक नॉर्मल मीनिंग निकलता है, उसको आप अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करके या फिर उसमें एक अलग इंटोनेशन लगा के उसका मतलब बदल सकते हो। और ये जो मतलब है, अगर आप अपनी पोएट्री में जो रीडर पढ़ते वक्त उसको लगा देता है, तो आपकी उस पोएट्री का मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। आई विल रीड ऑन दिस फॉर यू। द मीनिंग ऑफ द वर्ड और अ सेंटेंस इज अंडरस्टूड बाय द यूज ऑफ इट्स लास्ट सिंबल। जैसे कि यहाँ पे एक आपको वर्ड दिया हुआ है ओ, अब जैसे ये ओ लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ दूं ओ, सिंपली लिखा हुआ है जहां पे मैंने प्रेशर एच में पुट नहीं किया, लेकिन अगर आपका रीडर है वो अगर किसी वर्ड को पढ़ रहा है वहां पे लिखा हुआ है ओ, एंड वो अपने ही मन से उसको कर दे ओ, तो उसका जो मीनिंग है वो बदल जाएगा। यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि आपके एच पे एम्फोसाइज आप कर रहे हो, तो अगर आप ओ करके बोलोगे तो इट विल साउंड वेरी हैप्पी, लेकिन आप ओ करके बोलोगे तो इट विल साउंड सैड। एंड इस चीज को आपका ध्वनि सिद्धांत बताता है कि किस तरीके से हम लोग अपने शब्दों पे स्ट्रेस या इंटोनेशन को पुट करके उसको पूरी तरीके से उसका मीनिंग बदल सकते हैं। एंड आपके जो आनंद वर्धना है वो ये बोलते हैं कि जो ध्वनि होती है इसको हम लोग कहते हैं आपकी पोएट्री की आत्मा, बिकॉज आप शब्दों को जिस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो उससे उसका एक्चुअल मीनिंग निकल के आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द सोल ऑफ योर पोएट्री।
आनंद वर्धना कहते हैं कि आप अगर किसी भी पर्टिकुलर, कोई अगर राइटर है किसी वर्क को लिख रहा है, वो कुछ एक सेट ऑफ इमोशंस के अकॉर्डिंग उसको लिख रहा है एंड अपने शब्दों के जरिए वो उस पोएट्री में अपने इमोशंस को व्यक्त करता है. जब आपका जो रीडर है उसको पढ़ता है, योर रीडर और योर हियरर शुड बी ऑन द सेम वेव लेंथ. हम लोग कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो बिल्कुल उसकी सैड टोन से कनेक्ट कर जाते हैं. वो जो शब्द बोले हुए होते हैं उसको अगर आप बिल्कुल हैप्पी होके बोलोगे तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा. तो ये एक डिफरेंस होता है कि सैड जो आपका सॉन्ग होता है उसमें सैड टोन लगी होती है, शब्दों को बहुत ही सटल तरीके से बोला गया होता है कि बिल्कुल आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं. दिस इज वॉट इज नोन एज द ब्यूटी ऑफ ध्वनि, कि आप सेम शब्द को जिसको आप अदरवाइज अगर हैप्पीनेस में प्रोनाउंस करोगे तो मतलब बदल जाएगा एंड अगर आप दुख में उसको प्रोनाउंस करोगे तो उसका मतलब बदल जाएगा. सो दैट मींस आनंद वर्धना इज ट्राइंग टू पुट एम्फेसिस ऑन दिस वर्ड ध्वनि, हाउ यू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड, जिससे आपका जो हियरर है आपका राइटर है दोनों की वेवलेंथ मैच करती है एंड दैट इज व्हाई इसको कहा जाता है कि ये आपका मूड सेट करता है, सेंसिटिविटी सेट करता है एंड आपके रीडर और राइटर को सेम वेवलेंथ पे लेके आ जाता है. आई होप आपको ध्वनि का कांसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा. अब आपकी ध्वनि थ्योरी से ही एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं हमारी स्फोटा थ्योरी. ये हमारे रीसेंट एग्जाम में भी पूछा गया है. बहुत ही सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट समझना. हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया कि ध्वनि का क्या मतलब होता है. स्फोटा थ्योरी जो आपकी है सबसे ज्यादा फेमस है आपके भर्तृहरि, अब इसको आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, हिंदी में भी इसका जो प्रोनंसिएशन है वो थोड़ा सा अलग है, भर्तृहरि या फिर भर्तृहरि आप करके बोल सकते हो. इनका एक वर्क है वाक्यपदिया. अब वाक्यपदिया या वाक्यपड़िया आप जो भी इसको प्रोनाउंस करो, इनकी ये फेमस है स्फोटा थ्योरी. स्फोटा थ्योरी आपकी क्या कहती है कि एक जो आपका शब्द होता है, वर्ड होता है, सिंबल होता है, उसके जो मीनिंग होते हैं उसको आप दो ही तरीके से जान सकते हो. एक तो शब्द की साउंड से कि आप वो कैसा प्रोनाउंस हो रहा है एंड एक उसकी मीनिंग से. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये जो आपको जितना भी रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट आपसे पूछा गया है कि आपकी जो स्फोटा थ्योरी है वो किस किस चीज से आपकी निकल के आती है. तो एक आपकी ध्वनि से, मतलब कि वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रही है, एंड दूसरी आपकी मीनिंग से. तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना. स्फोटा थ्योरी आपकी कहती है या फिर आपके भर्तृहरि क्या बताते हैं अपनी इस वर्क में, कि आपका कोई भी जो टेक्स्ट है उसका जो मीनिंग है वो स्पीकर से आपके लिसनर की तरफ कैसे कन्वे होता है. हमारे ये जो शब्द, जैसे राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग जो आप लोग को ऑलरेडी पता नहीं हो. मेरे बात करने का तरीका बस उस पर्टिकुलर मीनिंग को कन्वे कर रहा है या फिर आपके दिमाग में रीअफर्म कर रहा है. मैंने आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है. इट्स जस्ट दैट कि वो एक टाइप के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताई जा रही है एंड आपको रीअफर्मेशन मिलता जा रहा है. तो यहां पे आपको देखो क्या लिखा हुआ है कि आपके जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो आपका एक पर्पस सर्व करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ स्टिमुलस टू अनकवर द मीनिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ द लर्नर. आप जो लर्नर हो, आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, आपको ऑलरेडी बहुत सारी बातों के कॉन्सेप्ट पता है, पर मेरे आर्टिकुलेशन और स्पीच से कि मैं कहाँ पे एम्फेसिस दे रही हूँ, कहाँ पे आपको उसका मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझा रही हूँ, उससे आपको उन थ्योरीज का रीअफर्मेशन मिलता चला जा रहा है. एंड इसी केस की वजह से आपके भर्तृहरि ने बताया है कि चाहे आपकी रासा थ्योरी हो जाए, अलंकार की थ्योरी हो जाए, उसके बाद ध्वनि थ्योरी हो जाए, ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन ये कहते हैं कि द वे यू आर्टिकुलेट योर स्पीच, आप जिस तरीके से आर्टिकुलेशन करते हो अपने शब्दों का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी स्फोटा थ्योरी में. दैट मीन्स कि आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस एज क्लियर आर्टिकुलेशन विल अरेंज प्रॉपर लिंग्विस्टिक यूनिट्स इनटू द माइंड ऑफ द रिसीवर. अगर मेरी ही स्पीच अपनी अच्छी नहीं है तो मैं आपको किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाऊंगी. इट इज माई आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच कि मैं चीजों को, कठिन चीजों को आपको बहुत ही ब्यूटिफुली एग्जाम्पल्स के जरिए या फिर रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बातें बताती हूँ एंड आपको वो चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, तो तीन चीजें आपके भर्तृहरि ने इंपॉर्टेंट बताई हैं कि आपकी जो एक्ट ऑफ स्पीच होती है, ये जो मेरे बात करने का तरीका है, वो आपका तीन स्टेजेस में बेटा आपका बटा होता है. सबसे पहला है आप कॉन्सेप्चुलाइजेशन बाय द स्पीकर. वट एवर आई एम स्पीकिंग वो मैं बस ऐसे ही नहीं बोलती चली जाती हूँ. आई हैव एन आइडिया, पहले मेरे दिमाग में उसका आइडिया आता है, देन आई एक्ट एज अ मीडियम. मेरी जो परफॉर्मेंस ऑफ स्पीकिंग है, हाउ आई एम स्पीकिंग,
अभी यहाँ कैमरे पे आके आई कुड हैव स्पीकिंग लाइक दिस, हाँ भाई स्पोटा थ्योरी ऐसी होती है, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच होता है उसमें, एंड आपको ध्वनि के भी बारे में ध्यान रखना होता है, इट इज़ द वे आई एम स्पीकिंग, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, बट दिस इज द वे दैट आई एम प्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जिसकी वजह से आपको चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही होगी एंड तुरंत आपको समझ में आ रही होगी। लास्ट जो उसका स्टेप होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन बाय द इंटरप्रेटर। मेरी आर्टिकुलेट, पहले मेरे दिमाग में आइडिया आता है, आई put them into words and show them in front of you in a very good manner, मेरी speech के जरिए, तब जाके आपको वो समझ में आता है, and this is what we call as Sfota theory, ठीक है? आपको याद रखना है कि ये Sfota theory किसने दी है, कौन से text में दी है, and आपकी ये किससे किससे related है। I hope आप लोगों को अभी तक के सारे concept समझ में आ गए होंगे। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और अपना फीडबैक जरूर से लिखिए। अब हम लोग चलेंगे अपनी अगली थ्योरी की तरफ, जो कि है हम लोग की रीति थ्योरी। अब हम लोग की ये जो रीति थ्योरी है, ये हम लोग के अगेन एक दूसरे फिलोसोफर ने दी है, या फिर स्कॉलर बोल सकते हैं, जिनका नाम है वमना। इनका ये जो वर्क है काव्य अलंकार सूत्र, इनके और भी वर्क्स हैं पर ये आपका मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड इन्होंने दी है आपकी रीति थ्योरी। अब आप ध्यान से देख पाएंगे कि आपकी जितनी भी थ्योरीज आप लोगों ने पहले पढ़ी है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। रीति थ्योरी के अंदर आपका बताया गया है कि आप जब अपनी पोएट्री को लिखते हो, किसी भी टेक्स्ट को लिखते हो, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच एंड आप अपने रसा थ्योरी को डालते हो, उन सबको आपको कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में डालना होता है कि वो आपका पूरा सेंस बनाए। आपको याद होगा कि टी एस एलियट ने बताया है आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में, कि आपकी जो हैमलेट है वो आर्टिस्टिक फेलियर है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से आपस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका आपके हैमलेट की एक्चुअल कंफ्यूजन वाली फीलिंग थी कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसको क्या करना है, और आपस बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए थे वो उसकी फीलिंग से मैच नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कि अगर वो इनसेन हो रहा था, पागल हो रहा था, तो उसके आसपास के एनवायरमेंट में किसी भी तरीके का हम लोग को एक कोरिलेशन नहीं दिया गया। वही सेम चीज यहां पे बताई गई है कि अगर आप एक पोएट्री को लिखते हो तो इट इज नॉट जस्ट द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट यू चूज एंड इट इज नॉट जस्ट द रसा दैट यू पुट इन इट, आपको इन सारी चीजों को अपने एस्थेटिक्स के जरिए क्या करना है, एक दूसरे से कोरिलेट कराना है, एंड इसके लिए यू विल नीड अ क्रिएटिव माइंड विच इज नोन एज योर रीति थ्योरी। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि आपका जो रीति सिद्धांत है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्टाइल। ये आपके वमना ने 8th सेंचुरी में दी थी। इट इज बेस्ड ऑन द क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। इट इज नॉट कि आपने मेटाफर्स घुसा लिए, आपने रसा थ्योरी घुसा ली, इट इज ऑल्सो द क्रिएटिव माइंड कि आप उन चीजों को किस तरीके से प्लेस करते हो कि आपका वो गाना, आपकी वो पोएट्री, आपका वो ड्रामा कितना ब्यूटीफुल साउंड कर रहा है, ठीक है? To sum up, Riti style mainly depends upon the fact that the meaning of Kavya, आपकी जो poetry का meaning है, it is imparted in consonance with the rasa. आप जो भाव प्रकट करना चाह रहे हो, क्या आपने उसके ही relation में शब्द इस्तेमाल किए हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान यहाँ पे बहुत खुश है एंड आपने शब्द ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो बहुत ज़्यादा gloomy लग रहे हो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप एक बहुत ही sad scene दिखाना चाह रहे हो एंड शब्द आपने बिल्कुल casual उठा लिए हैं। इसको हम लोग कहते हैं रीति थ्योरी, जहां पे आप ओवरऑल एक पूरा कॉन्सोनेंस, एक पूरा इंटर रिलेशन बनाते हो बाय द स्टाइल ऑफ योर राइटिंग, ठीक है? आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर होगी। वेस्टर्न क्रिटिक्स में भी आप लोग की ये चीज आई है, लेकिन आपके इंडियन एस्थेटिक्स में ये चीज पहले आई है, जहां पे लिटरेरी एक्सीलेंस के बारे में बात की गई है। तो रीति इज नॉट जस्ट अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, इट इज नॉट जस्ट कि आपने कौन से शब्द चूज किए हैं, बट इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, जहां पे आप अपने इंटायर स्टाइल को अपने कॉम्पोजिशन में एक इतनी ब्यूटीफुली तरीके से उसको डाल देते हो कि वो एक अच्छा एस्थेटिक मीनिंग आपको देने लगता है, आपको बोथ साउंड की एंड यहाँ पे सेंस की फीलिंग आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनने में शब्द अच्छे लग रहे हैं, फील आपको कुछ नहीं आ रहा है, या फिर फील आपको आ रहा है एंड शब्द उसके अंदर है ही नहीं। रीति थ्योरी आपकी ये कहती है द ओवरऑल स्टाइल ऑफ राइटिंग क्रिएटिवली इज नोन एज योर रीति थ्योरी। आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर होगी। कभी भी इससे बहुत ही डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, आपके इन सब में से पूछा गया है कि रीति थ्योरी किसने दी है, रासा थ्योरी किसने दी है, अलंकार थ्योरी के प्रोपोनेंट कौन है, तो एटलीस्ट आप लोग को मीनिंग के जरिए नाम लर्न करते जाने हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम लोग अपनी अगली थ्योरी की तरफ, विच इज वक्रोति थ्योरी। याद करिए कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट अलंकारा कि आपकी वक्रोति थ्योरी आगे आने वाली है।
अगर आप लोग ने न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ा है तो आप लोग ने उसमें पढ़ा होगा 7 types of ambiguity. आप जब एक पोएट्री को लिखते हो आप उस पर मेटाफर यूज करते हो, मेटोनिमी यूज करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, आयरनी, पैराडॉक्सिस, इन सबको यूज करते हो. सबसे पहले तो आपको कमेंट करके बताना है कि 7 types of ambiguity कौन से न्यू क्रिटिक ने दिया है. ये आपका हिंट है, वो एक न्यू क्रिटिक है जिन्होंने बताया है आपकी एम्बिग्विटी के बारे में. जब आप एक वर्क को लिखते हो तो जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच आप उसमें यूज करते हो तो उससे आपका रीडर अलग अलग मीनिंग को निकाल सकता है एंड ये आपके एक वर्क में एम्बिग्विटी क्रिएट करता है. सिमिलर कॉन्सेप्ट है आपका वक्रोक्ति थ्योरी जो बताता है कि जब आप अलंकार मेटाफर्स यूज करते हो अपने वर्क में तो हो सकता है कि आपका जो ऑथर है उसने किसी और चीज का मेटाफर बताया हो एंड जो रीडर हो वो अपनी समझ एंड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका मतलब दूसरा निकाल ले. इसी चीज को कहते हैं जहां पे आप एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना शब्द के कई मीनिंग निकल आते हैं जिससे कई आपकी एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, उसको हम लोग वक्रोक्ति थ्योरी के अंदर डालेंगे. आई विल रीड दिस फॉर यू. ये जो आपकी थ्योरी है वो आपकी दी है कुंटका ने अपनी बुक जो है वक्रोक्ति जीवितम के अंदर दी है एंड इस थ्योरी का नाम है वक्रोक्ति थ्योरी. ये जो सिद्धांत है आपका, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके वक्रोक्ति जीवितम के अंदर आता है. ये बिल्ड करता है आपके ध्वान लोका जो आपके आनंद वर्धना ने दी थी. ऑलरेडी उन्होंने इन आइडियाज के बारे में बात की थी जिसके ऊपर ये थ्योरी आपके बन के निकलती है. कहने का मतलब कि आपकी जो वक्रोक्ति रेफर्स टू अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन वेयर द मीनिंग इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड एंड आपका जो मीनिंग है वो ट्विस्ट हो जाता है या फिर डिविएट हो जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मीनिंग. आपका, मैंने बोला ना कि राइटर कुछ और आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और राइटर तो जिंदा है नहीं जो आपको बताया कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में इस मेटाफर को यूज किया है. हम लोग अपने ही अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकाल लेते हैं. इसी चीज को हम लोग वक्रोक्ति थ्योरी के अंदर डालते हैं. It suggests that the beauty of poetic expression often lies in its ability to surprise, challenge and deviate from the conventional language use. हो सकता है कि हम लोग author कुछ और कहना चाहता हो, हम लोग उसका कुछ और meaning निकाल लेते हो. गाने भी हम सब लोग सुनते हैं, आपका जो singer है वो कुछ और हम लोग को बोलना चाहता हो, हम लोग अपने दुख के according उसका वही meaning निकाल लेते हैं कि हाँ हाँ इस line का यही meaning है. तो वक्रोक्ति theory कहती है कि ये जो आपके metaphors होते हैं, आपकी simile होती है, चाहे जितनी भी figures of speech होती है, इनकी यही beauty होती है कि ये आपको कभी भी अपने mood के according surprise कर सकते हैं, challenge कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. मतलब कि आपका जो रीडर होता है वो आपका स्पेक्टेटर होता है, वो अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका कोई भी मतलब निकाल के जा सकता है एंड इसी वजह से आपके एक ही पर्टिकुलर वर्क के मल्टीपल मीनिंग निकल के आते हैं. जैसे आजकल हम लोग, आई कैन वेरी मच रिलेट कि आपकी जो हमारी जो गीता स्क्रिप्चर्स हैं उसको क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग उसके श्लोकों का मतलब निकाल के अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने उसी श्लोक का मतलब अपनी पढ़ाई के क्रम में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जीवन में किसी और चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं. श्लोक एक ही है लेकिन हर एक पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है अपने अकॉर्डिंग उसकी, तभी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की इतनी सारी टिप्पणियां निकलती हैं, अलग अलग उसके मीनिंग निकलते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान पढ़ता है वो अपना अलग मीनिंग निकाल लेता है. इसी ब्यूटी को कहते हैं हम लोग वक्रोक्ति थ्योरी. आई होप ये आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी. नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरी हम लोग की आती है, ये है हम लोग की औसीतीय थ्योरी, जो आपकी, इसको आप बोल सकते हो कि किश्मेंद्र ने दी थी या फिर आप इनका, इसका कोई भी प्रोनंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो. औसीतीय विचारा, ये जो इनका वर्क है, यहाँ सी नहीं एच नहीं लिखा हुआ है लेकिन बहुत जगह पे लिखा हुआ था तो आई वॉन्टेड टू टेल यू, इनका जो वर्क है औसीतीय विचारा, ठीक है. औसीतीय जो इनकी थ्योरी है वो आपके ओवरऑल इस सारी थ्योरी को क्या करेगी, समअप करेगी, जहाँ पे ये अप्रोप्रिएटनेस के बारे में बेटा बात करते हैं कि आप जिस पर्टिकुलर वर्क को लिख रहे हो उसके वर्ड्स, उसके फ्रेजेस, उसका एक्सप्रेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्ट मैटर. ये भी थ्योरी आपको थोड़ी सी क्या कह सकते हैं TA-CLET के ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाली थ्योरी से मैच करेगी कि व्हाटएवर जिस भाव को आप प्रकट करना चाहते हो उसका जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, मेटाफर्स हैं वो आपकी एक इन अकॉर्डेंस में होने चाहिए विद द ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर. आपके जो कॉन्सेप्ट है औसीतीय का इज क्लोजली टाइड विद द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ योर भाव एंड रस. मतलब आप जो भी भाव प्रकट करना चाह रहे हो आप उसी टाइप की रसा को दिखाने की कोशिश करोगे, सिमिलर काइंड्स ऑफ इमोशनल कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे,
ताकि आप जो फील देना चाहते हो वो आपको इसके जरिए मिले। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको इनके बिल्कुल डीप में जाना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा सबको समझ लेना है जो आप लोग को याद करने के लिए काफी हो। ज्यादा डीप में जाओगे तो खुद कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, बिकॉज डीप में इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लास्ट में है आपके लिए ये एक बहुत ब्यूटिफुल सा नमस्कार, जो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आया होगा तो जरूर से आप लोग फीडबैक दीजिए, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वो भी आप बता दीजिएगा, कंफ्यूजन अगर रह जाती है। वैसे अगर आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन बचनी नहीं चाहिए। क्वेश्चंस अगर आप अगर जाके इसके लगा के देखोगे, I have segregated the Indian literature into a very different section, जहां पे आप सिर्फ इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चंस को लगा के देखोगे तो यहां पे आपको इंडियन एस्थेटिक्स के क्वेश्चन सारे मिल जाने वाले हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि अब मैं इंडियन एस्थेटिक्स के क्वेश्चन कहां से ढूंढू, लिटरेचर के सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके आखिरी के कुछ 15-20 दिन ही बचे हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस टाइम पे आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को लगाइए, जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है एंड आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका 1 month ऑफर चल रहा है। वी डोंट नो कि 1 महीने के अंदर ही आपका कब एग्जाम हो जाए, सो दिस मिनिमम ऑफर इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सारे लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग जरूर से बताइएगा कि इस वीडियो ने आपकी कितनी मदद की और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस कोर्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ योर कोर्स। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन कम एंड कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के जा सकते हो। सो अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर। आई होप मेरी इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। डू लेट मी नो योर थॉट्स एंड योर फीडबैक। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।